तो जब आपने ये फ़ैन एक जो है वो परचेज़ कर लेना है, यही क्वालिटी का मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस परचेज़ करें। ये 4 वायर होंगी इसकी, ठीक है। ये जो है इसकी वायर ये पॉजिटिव है, और ये ब्लैक वाली जो वायर है ये नेगेटिव है, और दो जो है ये ब्लू और ग्रीन जो है ये इसका स्विच सिस्टम है। अगर आपने स्पीड कम करनी है तो इसे जो आपने अटैच कर देना, अगर स्पीड आपने ज़्यादा करनी है तो इसे जो है आपने खोल देना है, ठीक है। अभी आपको हम ये ऑन करके चेक करवाते हैं किस तरह से ये काम करता है, स्पीड लो कैसे की जाती है, इसकी हाई कैसे की जाती है, ठीक है जी। तो जी भाईजान, हमने इसे ये देखें, जो येलो वाली है ये पॉजिटिव है, जो ब्लैक वाली है ये नेगेटिव है, इसके साथ हमने अटैच किया है तो ये ऑन हो गया है। अभी जो इसकी स्पीड चल रही है ये हाई स्पीड चल रही है। अभी आपको चेक करवाते हैं कि इसकी स्पीड कैसी है। ये चेक कर सकते हैं आप, इसकी अभी जो स्पीड है ये बहुत तेज़ है, ठीक है। आप ये चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप जो है इसे, ये जो दो वायर लगी हुई हैं ग्रीन और जो है ब्लू वायर, आप इसको जो है आपस में, जी भाई जान, अभी आप ये चेक कर लें कि जब हमने ये दो इसके साथ अटैच कर देंगे, ग्रीन और जो है ब्लू वायर ये जोड़ देंगे, तो इसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं। इनक्यूबेटर के अंदर आपने ये मीडियम स्पीड करनी है, हाई स्पीड नहीं करनी। और उम्मीद है कि आप सब भाइयों को ये पता चल गया होगा कि आपने फ़ैन कौन सा इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए फ़ैन की, ठीक है। अगर किसी भाई को समझ नहीं आई तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, उसके अंदर उसके ऊपर PM पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो उसे जो है इंशाल्लाह जो है गाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी ये देखें, अभी ये लो स्पीड है, तो अभी हाई स्पीड भी करके दिखाते हैं। इसकी जस्ट वायर खोलेंगे तो ये हाई स्पीड हो जाएगा। ये देख रहे हैं जी, अभी आपको बखुद ही नज़र आ रहा होगा कि ये अभी हाई स्पीड हो गया, ये वायर खोल रही है तो ये हाई स्पीड हो गया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अभी मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ आपके साथ।